गुरुजी सीताराम, भाई साहब सीताराम, मेरे सरकार हिंदू हृदय सम्राट श्री गुरुजी के हृदय में विराजमान भगवान श्री राम के चरणों में कोटि वंदन। जय हो आपकी। अब उन्हें भी आशीर्वाद दें तो हम बता भी तुम्हें। गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं। बोलो बोलो। गुरुजी मैं मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाता हूँ अपने हाथ से, तो मेरे को उसकी विधि मालूम नहीं है, 2.5 साल से चढ़ा रहा हूँ। दूसरा ये है कि हम लोग निस्वार्थ गौ सेवा समिति दमोह से, हम लोग गौ माता की जब मृत्यु हो जाती है तो अंत्येष्टि करते हैं, तो उसके बाद नहाना चाहिए ना नहाना ना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, दोनों प्रश्न अति उत्तम है। ताली बजाओ, पहले तो उनकी सेवा के लिए ताली बजाओ जोरदार। हमारे लाने तो बजाते ही नहीं है। पहला प्रश्न का उत्तर बहुत गंभीरता से सुनिएगा। श्री हनुमान जी महाराज का सिंदूर चोला का उपाय करने के लिए जो विधि करते हैं, चोला चढ़ाते हैं अपन, उसमें सबसे पहले तो दीप प्रज्वलन करो, जाकर के चरणों में जल चढ़ाओ, फिर प्रणाम करके आज्ञा लो, पर्दा लगा दो ताकि कोई देखता ना रहे, देख ना पाए। इसके बाद में राम नाम ध्वनि का जाप करते हुए सिंदूर को चमेली के तेल अथवा मक्खन, जैसे भी आप सिंदूर को मिलाते हो, उसको मिलाकर जोत जलते रहने देना, नाम जप नहीं छोड़ना, आज्ञा लेकर और प्रभु के वस्त्र निकालकर स्नान करवाकर और चरणों से एक बार सिंदूर को लगाकर और थोड़ा सा जो है हो सके तो अपनी अंगुली से ऐसे मस्तक पर स्पर्श करा लीजिए, बाद में जरूर उसको विसर्जित कर दें, और फिर प्रणाम करके चोला सिर से चरणों की तरफ चढ़ाना चाहिए। इसके बाद यज्ञोपवीत, इसके बाद तिलक, इसके बाद अगर वस्त्र सरकार पुनः पहने तो पुनः वस्त्र, इसके बाद राम राम लिखी हुई अकौवा के पत्तों की या पान के पत्तों की या कोई ऐसी माला जिसमें राम राम लिखा हो, जो हृदय तक श्री हनुमान जी महाराज के आ पावे, उस माला को धारण करवा दीजिए, जिससे सब दोष शून्य हो जाते। कोई अगर टूटी हुई हो उस माला से सुन्न हो जाती। इसके बाद में प्रसाद फल चढ़ा दें, फिर धूप दीप कर दें, फिर इसके बाद में नैवेद्य लगाकर महाप्रसाद लगाकर फिर स्तुति कर लें, राम नाम का कीर्तन कर लें, फिर भव्य और दिव्य आरती कर लें, और इसके बाद में अगर हनुमान चालीसा करना चाहते, सुंदरकांड करना चाहते तो कर सकते हैं। ये है सूक्ष्म विधि श्री हनुमान जी महाराज के चोला चढ़ाने की है। दूसरा प्रश्न था गाय माता का अंतिम संस्कार करते हैं तो क्या स्नान करना अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि वो हमारी माँ है और हमारी घर की सदस्य हैं, हमारी पूजनिया हैं। तो श्री वेद लक्षणा गाय माता का अंतिम संस्कार करने के बाद बिल्कुल रीति विधि विधान के साथ ही स्नान करना चाहिए, जिससे तन की शुद्धि भी होती और मन का दोष भी मिटता है और वंश का होने का फर्ज भी पूर्ण होता है। जैसे वंश में कोई शरीर छूट जाए तो उसको जलाने के बाद स्नान करते कि नहीं? बोलो, करते हैं ना, तो वो भी तो अपने परिवार की हैं वेद लक्षणा माँ। अब हिंदू माने ना माने ये उनका दुर्भाग्य है, पर प्रत्येक हिंदू की जगत माँ हमारी वेद लक्षणा माँ गाय माता है। हाँ, तो इसलिए जो है बिल्कुल स्नान करना चाहिए। धन्यवाद, आप संतुष्ट हैं?